पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन पैसे से भी बढ़कर लोगों के अंदर की भावनाएं होती है जो हर बार पैसों के ऊपर मापी जाती है, जिसका एक उदाहरण पटना के 10 महीने का अयांश है। अयांश पटना के रूपसपुर में रहने वाला एक 10 महीने का बच्चा है। 10 महीने का मासूम अयांश एक ऐसी दुर्लभ बीमारी का शिकार है जो लाखों में से किसी एक को होती है, जिसके लिए आम आदमी से लेकर सुपरस्टार तक सभी उसकी मदद करने में लग गए हैं। नमस्कार, मैं निधि, आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। पटना के रूपसपुर रुकनपुरा में रहने वाले आलोक कुमार सिंह और नेहा सिंह के बेटे अयांश को SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी टाइप 1 नाम की एक रेयर बीमारी है। 10 महीने का अयांश जब 2 महीने का था तभी इस बीमारी का पता चला था। इस बीमारी के शिकार बच्चे के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। इसी कारण अयांश के गर्दन का एक हिस्सा काम करना अब बंद कर चुका है। जन्म के 10 महीने बाद भी अयांश की हालत एक नवजात बच्चे की तरह ही है। अयांश की माँ बताती हैं कि जब इन्हें इस बीमारी का पता चला था तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ था। फिलहाल अयांश का इलाज बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस में चल रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी के शिकार बच्चे अधिक से अधिक 2 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इस बीमारी में धीरे धीरे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, सांसें लेने में भी मुश्किलें होती हैं। अयांश के माता पिता अपने बच्चे के बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। SMA के इलाज के लिए जोलगेंसमा नाम के एक इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसकी एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। ये इंजेक्शन भारत में उपलब्ध नहीं है, इसे अमेरिका से मंगाना होता है। इस महंगे इलाज के सामने माता पिता असहाय हो गए। अयांश के इलाज के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए बिहार सहित देश भर से लोग मदद कर रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों की मदद मिल रही है। अयांश की माँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से गुहार लगाते हुए कहती है कि बिहार का अयांश पहला ऐसा बच्चा है जिसे ऐसी दुर्लभ बीमारी हुई है। मुख्यमंत्री और सरकार अगर मदद करे तो बेटे की जान बच सकती है। अयांश की जान बचाने के लिए ब्रावो फार्मा के फाउंडर राकेश पांडे सामने आए, जिन्होंने ट्वीट के जरिए 5 लाख तक की मदद करने को कहा है। साथ ही भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भी सामने आए हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए अयांश के लिए पोस्ट शेयर किया है और बच्चे के लिए मदद की गुहार लगाई है। क्राउड फंडिंग के जरिए अयांश के लिए न सिर्फ बिहार और देश से बल्कि विदेश से भी मदद की हाथ आ रही है। आप सभी भी अयांश की मदद कर उसकी जान बचा सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, अन्य खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।